अब ये इंजीनियर द गेमर की टीम को बहुत मुश्किलें देने वाले हैं। थोड़ा सा आगे गए, बीस ने जाने दिया एक खिलाड़ी को, दूसरे को स्पॉट किया, शॉट लेने की कोशिश, शॉट लिए भी गए, इंपैक्ट प्लेयर को टेक डाउन करेंगे और यहीं पे एक फिनिश अपने निकाला। बाकी प्लेयर उनके सामने से आगे जा रहे, क्या एक और को टेक डाउन कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बीस्ट की AKM भी मास्टर स्ट्रोक है, जो पोजीशनिंग है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिल रही है। लियो ने वहां पर वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया, 2v3 और अक्षर के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली। हालांकि हेक्टर उनके ऊपर वो शॉट गए जो नॉक खिलाड़ी थे, उनको फिनिश किया गया और अब टीम स्नैक्स पूरी कोशिश करेंगे कि इन दो टीम्स की भिड़ंत में अपना कुछ फायदा निकाला जाए। बीस्ट के ग्रेनेड्स बहुत बेहतरीन है, टीम स्नैक्स को और ज्यादा फिनिशेस इनफैक्ट मिलते नजर आ रहे हैं। स्नैक्स और उनकी टीम उसी एक खिलाड़ी के ऊपर हावी होना चाहते हैं क्योंकि उनको राइट हैंड साइड का एक अच्छा एंगल मिल सकता है, लेकिन उनको शायद नहीं पता आई बिलीव कि कहां कहां पर आगे मैंटी और उनके टीममेट सर्वाइव कर रहे हैं। दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। रॉकस्टार ही स्टिल सर्वाइविंग, उनको भी स्पॉट करना है। एक ग्रेनेड मैंटी का जाएगा, वो एरिया खाली हुआ क्योंकि क्रो गए, पटनियो पहली कैजुअल्टी बन चुके। मैंटी का डैमेज, मैंटी की स्पीड काफी कम, उनको डैमेज पड़ा जरूर था। पटनियो का ग्रेनेड जा चुका था तब तक। नंबर्स आर इवन स्टीवन 3v3। स्नैक्स के पास M4 6 टाइम्स देखने को मिल रही है, उनका हेलमेट और वेस्ट काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, प्रॉपर कंडीशन में। हेक्टर रिवाइवल दे जरूर रहे हैं, अक्षत को वापस उठाया जाएगा लेकिन अगले 40 सेकंड बहुत ज्यादा जरूरी है। रॉक्सा को पीछे देखा जा चुका है, शॉट दिए जाएंगे, रॉक्सा को फिनिश किया जा सकता है। तीन टीमें बची है, ओमेगा उनकी टीम है, बचे हैं तो अब इकलौते हेक्टर। वो इस बार रिवाइव की गलती नहीं करें क्योंकि खुद उठे तो प्लेयर को पिक किया जा सकता है, स्मोक नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ग्रेनेड्स का प्रहार हेक्टर के ऊपर होता हुआ, लेकिन स्नैक्स की टीम के लिए भी दिक्कतें एक एक करके हो रही हैं। ऐसे में मैंटी की टीम बहुत ही ज्यादा ओपी हो सकती है, देखना पड़ेगा। खिलाड़ी आगे मूव करना शुरू कर चुके हैं, स्ट्राइकर मैक्सी एक तरीके से घेराबंदी करना चाहते हैं। स्नैक्स बिल्कुल सामने यूएपी का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन उसको पिक किया जाएगा। इट्स जस्ट वन मैन अगेंस्ट The world of Manti. नहीं, रिवाइवल देने की कोशिश है लेकिन हेक्टर जाना नहीं चाहते अपना फिनिश देने के लिए। इज लाइक मैं अपना फिनिश नहीं दूंगा, एक अच्छी स्ट्रेटजी। हेक्टर जाएंगे जोन से, टीम स्नैक्स से बीस्ट बनते हैं यहाँ पे। अभी एक यंग प्लेयर, 5 फिनिशेस इन्होंने निकाले। टॉप 5 प्लेयर्स की अगर बात करें, नियो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं पॉइंट स्टैंडिंग की तरफ और वहां पे देखते हैं किस टीम को कितने अंक मिले। मैंटी उन्होंने प्लेसमेंट कार्ड का इस्तेमाल किया था, टीम स्नैक्स उन्होंने भी प्लेसमेंट कार्ड का इस्तेमाल किया था, ओमेगा उन्होंने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था।